हम लोग पेड़ से दौड़ कर लाए। चलो फ्रेंड्स फुटबॉल खेलते हैं। सुनिए देखिए आज सुबह इसकी वजह से झगड़ा हो गया है, अभी मत खेलो वरना भिड़े भाई नाराज हो जाएंगे। जब तक सोसाइटी की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो जाता कोई यहाँ नहीं खेलेगा। कमाल है मेहता साहब भी, चिट्ठियाल को लाने के लिए गए अभी तक आया ही नहीं। आत्मराम जयडालाल का कोई भरोसा नहीं, वो मेहता साहब को लेकर सोडा पीने चला गया होगा। तो फिर हम क्यों यहाँ बैठे हैं, हम भी सोडा पीने चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे आप लोग अभी तक खड़े ही हो, सजा दिया किसी ने खड़े होने की, बैठते क्यों नहीं? अरे हम लोग कब से बैठे ही तो थे यहाँ पे, तो फिर खड़े क्यों हो गए? अरे अय्यर भाई ने बोला कि जेठालाल का कोई भरोसा नहीं, मेहता साहब को घसीट के सोडा पीने ले गया होगा। घसीट के मैंने कब बोला? लेकिन जेठालाल का भरोसा नहीं ऐसा तो बोला ना अय्यर। जेठालाल मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर सोडा पीने चलना है तो चलते हैं, यहाँ बातें करके टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। चलो। अरे क्या चलो चलो, अरे तो सोडा से विशेष सोडा, हम लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं ना, तो मीटिंग शुरू करते हैं। चलो। अरे एक मिनट भाई, मीटिंग में यही तय करना है ना कि बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। हाँ बस तो फिर तय, बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं। हाँ चलो मीटिंग खत्म, चलो सोडा पीने जाते। वाह 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 वाह, इन्होंने तो फैसला ही सुना दिया, मतलब अभी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा है, चलो चलो मतलब बच्चे सोसाइटी में खेलेंगे और लोगों के सर फूटेंगे। अरे भाई तो नकारात्मक बात क्यों करता है हमेशा, लोगों का सर क्यों फूटेंगे? जयडालाल मैं समझ जाता हूँ, बच्चों के चालू स्कूल में क्रिकेट खेलना और वैकेशन में क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। जब स्कूल चालू होता है तो उनके बैकअप माइंड में पढ़ाई का बहुत टेंशन होता है, तब बच्चे प्लेट प्लेट क्रिकेट खेलते और शॉट भी ग्राउंड शॉट मारते, लेकिन वैकेशन में वो अलग टेंशन फ्री हो जाते, इसलिए अंधाधुन शॉट मारते हैं, इधर उधर इधर उधर, ये शॉट वो शॉट ये शॉट वो शॉट, किसी की खिड़की का कांच फोड़ देंगे तो किसी का सर फोड़ देंगे। इसके लिए जवाबदार कौन है, कौन है जवाबदार? क्यों पपड़लाल, बराबर है ना? बराबर नहीं है, गलत है। अरे पोपट भाई ने तो अय्यर भाई का पोपट कर दिया। एक मिनट डॉक्टर आदि, पपड़लाल आज सुबह जब तुम्हारा कंदील फूटकर नीचे गिरा था तब तो तुम बस जोर जोर से सोसाइटी में चिल्ला रहे थे कि बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल कैंसल कैंसल, अभी क्या हो गया? अभी मेरी महाराज से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि उनके पास सेम टू सेम दूसरा कंदील है। महाराजे का कंदील वाला है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो बच्चे सोसाइटी में क्रिकेट खेले उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाह, और अगर शॉट मारकर तुम्हारे चश्मे का कांच फोड़ देंगे तो? यार भाई पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ डाल के वेस्ट मत करो भाई। सही बात है डॉक्टर आजी। क्या सही बात है? यह पपड़लाल का दिमाग सही नहीं है, ये हमेशा रिवॉल्विंग चेयर जैसा इधर उधर घूमते रहता है। अय्यर भाई शांति से बात करो, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। सही बात है, कंदील पेटला है। अरे घर है भाई, थोड़ा धीरे। अरे पत्रकार हूँ ना इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई समाज में क्राइम कितना बढ़ गया, बच्चे सोसाइटी में खेले उसी में उनकी भलाई है, सेफ्टी है। सही बात है, बराबर है, पोपटलाल की बात एकदम बराबर है। अभी बच्चों को मना कर दिया सोसाइटी में खेलने से, तो आज गए ना वो कच्ची कैरी तोड़ने के लिए। वैसे रोज कहीं ना कहीं वो लोग जाते रहे और किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, बोल भिड़े। सही बात है। नहीं नहीं इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, इसलिए मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूँ कि बच्चे पूरा वेकेशन सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं, लेकिन दोपहर को 1 से 4 3 घंटे वो कंपाउंड में नहीं खेल सकते। क्यों भाई 1 से 4 के बीच में क्यों नहीं खेल सकते? नहीं नहीं देखो जेठालाल, ये जो भिड़े का 1 से 4 वाला पॉइंट है सही है, तो क्या है कि 1 से 4 लेडीज का सोसाइटी के अंदर रेस्ट करने का टाइम होता है, सारा काम निपटा के वो उस वक्त आराम करती हैं, और ऐसे में बच्चे खेलेंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा, और 1 से 4 धूप कितनी तेज होती है, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 से 4 के अलावा खेल लेंगे, क्यों भिड़े? करेक्ट ठीक है, तो मतलब
एक से चार को छोड़ के बाकी का टाइम तो बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं। सबको मंजूर है? मंजूर। बराबर, तो मीटिंग खत्म। हाँ मीटिंग खत्म, चलो सोडा पी के आते हैं। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट जेठा भाई, आज सोडा का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि आप सबके लिए मैंने स्पेशली कच्ची केरी की आइसक्रीम बनाई है। अरे वाह, कच्ची केरी की आइसक्रीम, वाह क्या बात है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, अय्यर भाई वाला कप है ना, वो भी मुझे दे देना, क्योंकि अय्यर भाई को कच्ची केरी की आइसक्रीम पसंद नहीं है। सही बात है। क्या सही बात है डॉक्टर आदि, आपको किसने बोला कि मेरे को कच्ची कैरी का आइसक्रीम पसंद नहीं है? मेरे को पसंद है। एक ही एट ए टाइम, एक ही आती भाई। जेठा भाई आपको पसंद आए तो मुझे कहना, मैं दूसरी बार दूंगी आपको, ठीक है? मुझे भी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और एक कप मेरे लिए भी अंजलि। आई एम सो सॉरी तारक, आपको एक ही बार। हाँ अगर आपको चाहिए तो फ्रेश करेले का आइसक्रीम बना के दे सकती हूँ। चलो एक मुसीबत खत्म हुई, अभी घर जाके दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी मुसीबत कौन सी जेठालाल? अरे मेहता साहब, टप्पू और गोगी, ये वेकेशन है तो रात को सोते ही नहीं है, गेम खेलते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। टप्पू आज तेरी गड्डी को पीछे छोड़ दूंगा मैं। गोगी मुझसे आगे निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओए देख टप्पू, अरे पापा क्या, अरे उधर चला ना भाई, इधर मेरे ऊपर कहाँ ला रहा है? पापा पापा संभल के, एक्सीडेंट हो जाएगा पापा। साइड साइड पापा, एक पैर ऊपर ले लीजिए, जल्दी जल्दी। अंकल दूसरा पैर भी ऊपर ले लीजिए। क्या दूसरा भी? मैं क्या पंछी हूँ जो दोनों पैर ऊपर करके उड़ने लगूं? सॉरी। अरे बंद, अरे दया दया। आई आई बोलिए क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, ये बच्चे लोग कितना शोर कर रहे, जरा बंद करो इनको। अरे बच्चों की आवाज को शोर नहीं, कलरव कहते हैं। कितना मीठा मधुर है कलरव। अरे इनके कलरव की वजह से मुझे कल तक नींद नहीं आएगी, उसका क्या? बस इतनी सी बात, आपको आज ही अभी ही मीठी नींद आ जाए, ऐसी तरकीब है मेरे पास। अब चलो बच्चों सो जाओ। हाँ चलो सो जाओ। मम्मी आप लोग सो जाओ, थोड़ी देर खेलकर हम लोग भी सो जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है बेटा। बेटा पर जल्दी सो जाना हो बेटा। हाँ हाँ हाँ। आइए अभी आप अंदर आइए। संभलिए जरा। नहीं संभला जाता। बच्चे सो जाना बेटे जल्दी। हाँ ओके आंटी। अरे गोगी क्या कर रहा है? आइए अंदर आइए मेरे सहनसा। सहनसा? आइए। क्या नई तरकीब लाई है मेरी तरकीबे सुल्ताना? बताती हूँ, पहले अंदर तो आइए मेरे दिल सुल्तान। इस नाचीज कमीज का सलाम कबूल कीजिए। कबूल है जे नसीब। मेरी मोगरे की वेणी, आज क्या तीर चलाने वाले हैं? तीर तो चलेगा ही, आप जरा तफरीब तो रखिए मेरे गोभी के फूल, मेरे गुलाब के फूल। क्या बात है, आज
खनिज बहुत रोमांचक मूड में है। आपको चैन की निंजा सुलाना है? आपको मीठे नहीं चाहिए ना? तो आइए चल 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 आगे चल 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 अभी आ गया अभी अभी घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। अच्छा बैठ गया अभी। अब थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहिए। ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ने खींची जाए ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ने खींची जाए ना ना रे रे वाय ना ना रे सहवाय ना ना रे रे वाय ना ना रे सहवाय मारा हैया माँ काई काई थाय दया हो गई थोड़ी देर। थोड़ी देर मतलब आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रही है। आधे घंटे तक? आधे घंटे के बाद आपने जो खाना खाया है वो सारा खाना हजम हो जाएगा। अच्छा समझा। एक बार पेट खाली हो जाए फिर फिर क्या होगा पता है? क्या होगा? सर मार रही है। अरे हम दोनों के अलावा कौन है? हम दोनों के बीच में शर्म कैसी? बोल बिंदास बोल। तो अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो दिल थाम के सुनिएगा। बोल जल्दी बोल। तो आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहने से आपको आपको मस्त नींद आ जाएगी। गुड नाइट। इस गेम में बहुत बोर हो रहा है यार। हाँ यार मुझे भी। सांप सीढ़ियां चढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करे? एक काम करते अभी जल्दी सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठेंगे। क्यों? अरे कल सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर फिर शाम तोड़ने जाएंगे। गुड आइडिया टप्पू। ये सब आप सो जाइए अब बच्चे नहीं आएंगे। मुझे पता है मैं तो कल उन्हें कैसे पकड़ूंगा इस बात की प्लानिंग कर रहा हूं क्योंकि ये बच्चे कल भी आम तोड़ने जरूर आएंगे। अरे दया चाय नाश्ता ला। हाँ।
नालिया जेठिया नहीं बापूजी बस जा ही रहा हूँ राज बिना नहाए चाय नाश्ता बराबर सॉरी पहले ना लेता हूँ देर से उठा हैं देर से उठा हाँ वो रात को नींद देर से आई ना इसलिए देर से उठा अरे तो देर रात तक जागता क्यों है तू क्या चामा चिड़ी है जो रात में जागेगा और दिन में सोएगा अरे तेरी ऐसी रहनी करनी से बच्चे क्या सीखेंगे बापूजी बच्चों की वजह से देर से नींद आई वो देर रात तक इधर शोर कर रहे थे गेम खेल रहे थे चुप रहे बहाने मत बना वो देर रात तक गेम खेलने वाले कब के जाग गए आरसू कहो जा भी खड़ा क्या नाले नाले कौन है अंदर पापा मैं और गोगी अरे भाई जल्दी निकलो मुझे नाना है दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है अंकल बस दो मिनट इंतजार कीजिए हम अभी आधे घंटे में बाहर आते हैं ये छोटा सोडिक ए भगवान सोडिक को अमृतसर से जल्दी वापस भेजो इतनी देर में ना लिया नहीं वो तो वापस क्यों है टप्पू के पापा लीजिए चाय नाश्ता बहू चाय नाश्ता वापस ले जा ये अभी तक लाया नहीं है क्या क्यों अरे गोगी और टप्पू बाथरूम में घुस गए वो निकले तो मैं नहाने जाऊं ना अरे तो भाई जाके मेरे बाथरूम में नहा ले नमस्ते चाचा जी अरे गुड मॉर्निंग पपीता जी आइए आइए सुबह सुबह हमारे घर पे एक्चुअली ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद देने आई ओ हो अरे आपको भी जा क्या है हमको बोला भी नहीं अरे बोला होता तो साथ में जाते ना नहीं बापूजी नहीं नहीं मैं नहीं गई थी वो अय्यर के फ्रेंड्स गए थे तो उन्हीं लोगों ने ये प्रसाद भेजा ओ अच्छा अच्छा वैसे मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ जाना है तिरुपति दर्शन करने जाना है एक बार बनाते हैं प्रोग्राम साथ में चलेंगे मजा आएगा नहीं बाबूजी प्रोग्राम बाद में बना पहले नहाने जा टप्पू और गोगी बाथरूम में घुस गए तो निकल ही नहीं रहे इसलिए मैं अटक गया वरना मैं तो सुबह जल्दी नहा ही लेता हूँ अरे मैंने कहा तो सही कि जाके मेरे बाथरूम में ना ले जी जी बापू जी चलिए बबीता जी आता हूँ नहाके आता हूँ नहाके बच्चों ने नहा लिया बापू जी सॉरी बबीता जी बच्चों ने नहा लिया बापू जी तो अभी यही नहा लेता हूँ अरे कहीं भी ना लेकिन ना जी बाबू चलिए बबीता जी चलिए मैं भी चलती हूँ नमस्ते चाचा जी फिर किसी दिन मनाते हैं प्रोग्राम तिरुपति जाने का तो मजा आएगा बेंगलोर और सब घूम के आएंगे दर्शन प्रोग्राम वाली नाने का नाने का प्रोग्राम यो कैनो खुशखबरी 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 बच्चों मन चाहे उतना सोसाइटी में खेल सकते हो सिर्फ दोपहर को 1 से 4 बजे तक शांति का पालन करना होगा वाओ टप्पू हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे यस सोसाइटी ने हमें कंपाउंड में खेलने की परमिशन दे दी है लेकिन फ्रेंड्स आज भी मेरा मन कच्चे आम तोड़ने का कर रहा है मेरा हाँ, भी वो तो है मेरे पापा हमेशा कहते हैं वही करना चाहिए जो मन कहता है तो फ्रेंड्स चलते कच्चे आम तोड़ने दोस्तों बच्चों की एक खास आदत होती है जिस काम में उन्हें मजा आता है वो बार बार करना चाहते हैं अब देखिए ना बच्चों ने एक बार कैरी तोड़ी और ऐसा लालच हो गया कि फिर से कैरी तोड़ने के लिए निकल पड़े
जिंदगी में जिस दिन फिसलना तय होता है ना, केले का छिलका मिल ही जाता है, और ना मिले तो आदमी ढूंढ के उस पे पांव रख लेता है। शायद इसीलिए बच्चे कैरी तोड़ने के लिए निकल पड़े। और उधर संग्राम सिंह ने बच्चों को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मेरे ख्याल से 3-4 शेर मिलके एक संग्राम सिंह बने हैं, और उस संग्राम सिंह के फार्म हाउस में बच्चे कैरी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन टपू सेना भी कम नहीं है, मेरे ख्याल से टपू सेना भी उन्हें चकमा दे सकती है। अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या होगा, ये तो अभी कैसे बताऊं। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी होगा आप हंसते रहेंगे। जितने आम के पेड़ में पत्ते होते हैं उतने आपके घर में ठहाके होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।